Why UG can beat Sukuna? Well, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो probably हंस रहे हैं, सोच रहे होंगे कि गोजू नहीं हरा पाया, काशिमो नहीं हरा पाया, तो इतादोरी किस बला का। बट फिर भी इतादोरी ही इकलौती ऐसी चाबी है जो सुकुना को हरा सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको वन ऑन वन फाइट में हरा सकता है, या फिर इतादोरी सुकुना से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। इनफैक्ट जब सुकुना 20 फिंगर्स की पावर्स को फुल्ली गेन कर चुका है, एंड सबसे बड़ी बात वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, सो आई डोंट थिंक कि जुजुत्सु काइजन में अभी कोई ऐसा बंदा बचा है जो सुकुना की पावर लेवल के बराबर। बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इतादोरी कैन बीट सुकुना? वेल, द ऑब्वियस रीजन, अगर आप लोगों को जुजुत्सु काइजन की स्टोरी याद हो, सो इतादोरी का गोल क्या है? इतादोरी का मेन गोल है कि अपनी मौत से दूसरों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करना, जिससे उसकी मौत का कोई असर पड़े सोसाइटी के ऊपर। दैट्स व्हाई वो एग्री करता है कि वो सुकुना को अपनी बॉडी पे ग्रो करने देगा। वेल, ये सीन तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि सुकुना ने अपनी सोल को मेगुमी की बॉडी के अंदर डाल दिया एंड मेगुमी के ऊपर पूरा टेक ओवर कर दिया, विच मीन्स मेगुमी की स्टेट ऐसे स्थिति पे आके रुक चुकी है कि हमें ये मालूम भी नहीं है कि मेगुमी जिंदा है कि नहीं। वेल, नाउ रिमेम्बर चैप्टर 220, इतादोरी ने ये बोला था कि आई हैव अ सॉर्ट ऑफ प्लान कि मैं मेगुमी को कैसे बचा सकता। वेल, सबसे मेन प्लान था पूरे जुजुत्सु काइजन की उसका कि अगर गोजो हार भी जाता है तो वो सुकुना को इतना होल्ड बैक कर लेगा, इतना डैमेज कर देगा कि सुकुना अपनी स्टेट पे आ पाए, ताकि इतादोरी अपनी कर्स मैनिपुलेशन से सुकुना की सोल को अपनी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर ले, जिससे मेगुमी जिंदा हो जाए एंड इतादोरी की बॉडी के अंदर सुकुना दोबारा वापस आ पाए। एंड इतादोरी की विल पावर इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो सुकुना को अपने शरीर के अंदर होल्ड बैक कर सकता है। वेल, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि गोजो के डेथ के बाद ही सुकुना ने अपने ओरिजिनल फॉर्म को निकाल लिया, जिससे सुकुना इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि अभी तो कोई भी नहीं है जो उसको वन ऑन वन हरा पाए या फिर थोड़ा सा डैमेज भी इन्फ्लिक्ट कर पाए। सो इस चीज की जिम्मेदारी लेता है यूटा। यूटा का मेन गोल ये है कि अगर सातोरु गोजो ये फाइट हार जाता है, सो यूटा के ऊपर एक बर्डन है कि उसको सुकुना को फिनिश ऑफ करना है, क्योंकि गोजो के बाद सिर्फ यूटा ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो थोड़ा बहुत लिटिल सुकुना को डैमेज दे सकता है। एंड आई थिंक गोजो सुकुना से फाइट करने से पहले उसने अपनी लास्ट फिंगर यूटा को दे दी हो, एंड यूटा ने ये फिंगर रीका को खिला दी होगी, जिससे रीका एंड यूटा की दोनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे यूटा सुकुना को एक ऐसे पॉइंट पे लेके आ पाए, या फिर सिर्फ यूटा ही नहीं बाकी सारे कैरेक्टर भी सुकुना को इतना डैमेज कर पाए जिससे सुकुना एक ऐसी स्टेट पे आ पाए कि वो बिल्कुल कम्प्लीटली एक डिफेंसलेस कंडीशन में आ पाए, जहाँ पे इतादोरी अपनी कर्स मैनिपुलेशन से उसकी सोल को दोबारा अपनी बॉडी के अंदर ले पाए। एंड जैसे ही सुकुना इतादोरी की बॉडी के अंदर दोबारा आ जाएगा, वो सुकुना का होल्ड बैक कर लेगा एंड वो बाकी कैरेक्टर से कहेगा कि मुझे तुम मार दो, जिससे सुकुना को भले ही पूरे एंटायर स्टोरी में कोई हरा नहीं पाएगा, बट इतादोरी अपनी लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट पूरी कर लेगा, जिससे इतादोरी का गोल पूरा हो जाएगा। अब इस एंडिंग से इतादोरी भले ही मर जाए, क्योंकि इनफैक्ट जुजुत्सु काइजन के स्टार्टिंग एपिसोड में बता दिया गया था कि एंड में तो इतादोरी का मरना तय है, एंड मुझे ये लगता है कि ये जुजुत्सु काइजन की सबसे बेस्ट एंडिंग कहलाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं जुजुत्सु काइजन को रीड कर रहा हूँ, उस हिसाब से साफ लिखा गया है शब्दों में कि सुकुना इतादोरी की बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई उसने एक बाउंडिंग वॉ बना के रखा था इतादोरी के साथ, ताकि वो उसको यूज करके मेगुमी की बॉडी में जा पाए, विच मीन्स कि सुकुना भी कहीं ना कहीं इतादोरी की पोटेंशियल से घबराता है। वेल, आप क्या सोचते हैं इस थ्योरी के बारे में? क्या वाकई में थ्योरी बिल्कुल करेक्ट साउंड करती है या नहीं, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसकी स्टोरी काफी अलग होगी, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं जुजुत्सु काइजन के एंडिंग में बहुत सारा डिफरेंस होगा? सो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं इसको जरूर रीड करूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर जुजुत्सु काइजन स्टफ। सो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, अंटिल सायोनारा।